अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा वैसे आज का जो आपका टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अक्सर ये जो है आई थिंक ये जो अभी जो नाइन्थ के पेपर्स हुए हैं उसके अंदर भी आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के अंदर आया हुआ था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसको आपने बहुत अच्छे से सीखना है कि आपको आपने जब ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आए तो आपने इसको पेपर के अंदर किस तरह से लिखना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली क्या है, आपकी बुक से मैं रीड आउट कर रहा हूँ, कुछ हिंट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इससे फायदा उठा लें, ठीक है। बुक से मैं रीड आउट कर रहा हूँ। एनालॉग कंप्यूटर रिकॉग्नाइज डाटा एज द कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की कंटिन्यूस मेजरमेंट को आपके पास ये जो है वो कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड एंड टेम्परेचर एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज डैट कैन बी मेजर्ड इन दिस वे। क्लियर होगी बात। अब कंटिन्यूस से क्या मुराद है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है वो कंटिन्यूसली है, यानी वो आपके पास पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है और वो वैसे भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रेशर है, प्रेशर या 1 होगा, 2, 3 इस तरह नहीं होगा, प्रेशर आपके पास 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी आपके पास 34 हो सकता है, 34.4 हो सकता है, 34.5 हो सकता है, पॉइंट्स की फॉर्म में यानी कंटिन्यूस मेजरमेंट हो सकती है। क्लियर होगी बात, यानी जितनी भी कंटिन्यूस मेजरमेंट्स हैं वो सारी आपके पास एनालॉग कंप्यूटर के अंदर की जाती थी, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो आपके पास यानी कंटिन्यूस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इट्स आउटपुट इज यूजली डिस्प्लेड ऑन द मीटर और ग्राफ, इट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल फेनोमेना टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्लियर हो गई बात। इट यूजेस वन काइंड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट अनदर, इट डज नॉट ऑपरेट विद द डिजिटल सिग्नल्स। अच्छा जी, डिजिटल सिग्नल्स को ये ऑपरेट नहीं करता, यानी आपके पास जो 0 और 1 की फॉर्म में जो सिग्नल्स होते हैं, ये 1, 2, 3 की फॉर्म में, उसको ये ऑपरेट नहीं करता, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो सिर्फ ये आपके पास कंटिन्यूस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे फीचर्स की, कि हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रहा था। तो ये पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने आपके बोर्ड पे लिख दी है। डिफिकल्ट टू ऑपरेट एंड यूज, यानी इसको यूज करना क्या था, डिफिकल्ट था, और यूज करना इसको ऑपरेट करना क्या था, अनडिफिकल्ट था। क्लियर होगी बात। उसके बाद लो मेमोरी एंड फ्यूअर फंक्शन, यानी आपके पास इसकी मेमोरी भी कम थी और आपके पास फंक्शंस भी कोई खास इसके फंक्शंस नहीं थे, कोई एक आध फंक्शन जो है ये ज्यादा मतलब फंक्शनैलिटी इसके अंदर मौजूद नहीं थी। क्लियर होगी बात। बिल्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस, खास पर्पसेस के लिए ही इसको यूज किया जाता था, यूज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड द मेडिसिन। क्लियर होगी बात। आपके पास यानी मेडिसिन में और इंजीनियरिंग की फील्ड में आपके पास ये जो आपका कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर वो यूज होता था। अब उसके बाद आपकी बुक के ऊपर इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, बोर्ड पे जगह नहीं थी। स्लाइड रूल, कर्वी मीटर, प्लेन मीटर एंड हार्मोनिक एनालाइजर आर द अर्ली स्पेशल पर्पस एनालॉग कंप्यूटर्स। द एनालॉग कंप्यूटर्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड वॉर टू। दीज कंप्यूटर्स वर यूज्ड फॉर द गन फायर कंट्रोल ऑन वॉरशिप्स। क्लियर हो गई बात। और क्या यानी आपके पास ये जो वर्ल्ड वॉर टू थी वहां पे भी इसका यूज, अक्सर ये पेपर में जो है ना इस तरह से ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि आपके पास वर्ल्ड वॉर टू के अंदर कौन सा कंप्यूटर जो है वो उसका यूज किया गया था, ठीक है। तो ये अक्सर आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। द जनरल पर्पज एनालॉग कंप्यूटर्स वर फर्स्ट बिल्ड इन द 1930s। क्लियर हो गई बात। ये था आपके पास एनालॉग कंप्यूटर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली क्या है आपके पास, नाम से पता चल रहा है हमें, ठीक है, और आजकल यही ज्यादा यूज होता है। डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोसेसेस डेटा इन द न्यूमेरिकल फॉर्म यूजिंग डिजिटल सर्किट्स, ठीक है जी। यानी सबसे पहली बात क्या होगी कि डाटा जो है वो किस फॉर्म में होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन विद डिस्क्रीट वैल्यूज। अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आगे जाके आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली आपके पास ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस में तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चीजें आ जाती हैं, और डिस्क्रीट के अंदर सॉरी जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेशंस है उसके अंदर आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इस तरह के आगे जाके आप डिटेल से इसको देख लेंगे। क्लियर होगी बात। यहाँ पे बस इतना याद रखें कि ये ऑपरेशंस भी आपके पास इस कंप्यूटर में परफॉर्म करवाए जाते थे। दीज वैल्यूज आर 0 एंड 1, यानी जितना भी डाटा था वो सारा का सारा किस फॉर्म में स्टोर होता था, 0 और 1 की फॉर्म में। 0 का मतलब क्या है जी, ऑफ, और 1 का मतलब क्या है, ऑन,
ठीक है, यानी जो भी डाटा होगा वो सारा जीरो और वन की फॉर्म में से होगा। ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपको अक्सर इस तरह की चीजें नजर आती है जिसमें आपके पास थर्ड ऑप्शन मौजूद नहीं होता, या जीरो या वन, या ऑन या ऑफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्विच है, अगर आप ये कोई आप सर्किट के ऊपर बोर्ड के ऊपर आपको स्विच डिफरेंट नजर आते हैं, तो वहां पे आप या ऑन वाला ऑप्शन होता है या ऑफ वाला ऑप्शन होता है, उसमें कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होता। तो ये डिजिटल बिहेवियर होता है उनका। क्लियर हो गई बात? तो बेसिकली आपके पास इसमें जो डाटा है वो सारा किसमें था, जीरो और वन की फॉर्म में। एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन टू स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ। द डिजिटल वन रिप्रेजेंट ऑन एंड जीरो रिप्रेजेंट ऑफ स्टेट। क्लियर होगी बात? यानी आपके पास या हाँ या ना, तीसरी कोई आपके पास इसके अंदर सिचुएशन नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, तो हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर वन पे फास्ट है, ठीक है। उसके बाद नंबर टू सॉल्व अल्जेब्रिक इक्वेशंस, हमारे अल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करता है। नंबर थ्री प्रोवाइड्स हाई स्पीड प्रिसिशन। आपने लास्ट टाइम जो टॉपिक आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें आपने ये हाई स्पीड सॉरी सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन पढ़ी थी, तो वो भी इसके अंदर हाई स्पीड प्रिसिशन जो है वो इसके अंदर यूज हो सकती थी। ओनली वन कैलकुलेशन एट अ टाइम, और एक टाइम पे एक ही कैलकुलेशन जो है ये परफॉर्म कर सकता था। लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट, मैं उसको डिटेल्ड बोर्ड में नहीं लिख सका, मैं यहाँ से रीड आउट कर रहा हूँ। द फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर वॉज बिल्ट बाय एकन, इट वॉज कॉल्ड मार्क वन। द इन्वेंशन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर स्टार्टेड अ न्यू एज ऑफ कंप्यूटिंग। डिजिटल कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, दे आर वाइडली यूज इन द बिजनेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड द हॉस्पिटल्स फॉर द डिफरेंट पर्पसेज। ठीक है जी, यहाँ पे आपको इसके यूजेस पता चल रहे हैं। इसके अलावा जो आपके पास साइंटिस्ट के नेम है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। आगे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के नेम लिखे हुए जिसमें एप्पल मैकिंटोश एंड IBM PC की आपके पास इसकी डिजिटल कंप्यूटर की मेन एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर हो गई बात? इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा जी, हाइब्रिड कंप्यूटर लास्ट में हम बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो बेसिकली आपके पास की क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। यानी आपके पास इस कंप्यूटर के अंदर आपको एनालॉग की जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी देखने को मिलेगी, और डिजिटल कंप्यूटर की भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपको इस कंप्यूटर के अंदर मिलेंगी। ठीक है जी, बुक से मैं रीड आउट कर रहा हूँ। द हाइब्रिड, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इट कंबाइंस द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ कंप्यूटर। क्लियर होगी बात? यानी दोनों आपके पास कंप्यूटर्स की जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको कंबाइन करके आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया। इट कैन एक्सेप्ट डाटा इन द एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म। यानी आपके पास डाटा को एक्सेप्ट भी कर सकता है इन बोथ फॉर्म्स, यानी बोथ फॉर्म्स में, एक्सेप्ट इन बोथ फॉर्म्स। ठीक है जी, एक्सेप्ट इन बोथ फॉर्म्स यानी एनालॉग और डिजिटल। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इट कैन ऑल्सो डिस्प्ले आउटपुट इन बोथ फॉर्म्स। और आपके पास आउटपुट भी आपको क्या मिलेगी, बोथ फॉर्म्स के अंदर इस कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगी, आउटपुट इन बोथ फॉर्म्स। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद इट कैन प्रोड्यूस हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट्स। हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज इन द रोबोटिक्स एंड द मेडिकल लैब्स। ठीक है, आगे एंड पे इसका यूज भी आ जाता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछी जाती है कि आपके पास मेडिकल लैब्स में या रोबोटिक्स के लिए कौन सा आपके पास कंप्यूटर यूज होता है, तो वो कौन सा कंप्यूटर होगा, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। इसको अच्छे से रीड आउट कर लें, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है, कोई लाइन कोई एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। बस ये जो हिंट्स आपको बताई हैं, इस हिंट्स को अपने माइंड में रखें और इसी तरह इसको प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह कोई आपको जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी। ओके जी।